हेलो फ्रेंड्स दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि आ, रियल मी की तरफ से रियल मी नाजो ट्वेंटी सीरीज़ लॉन्च हुई थी दोस्तों हमें उसमें बेसिकली तीन फ़ोन देखने को मिले थे और तीनों फ़ोन काफ़ी अमेजिंग थे उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों उसमें का जो बजट लेवल का जो फ़ोन था वो जो रियल मी नाजो ट्वेंटी वाला और ये जो इन्फिनिस का जो इन्फिनिक्स स्मार्ट फोर प्लस ये दोनों दोस्तों सौ या दस से नीचे फ़ोन आते हैं और दोस्तों दोनों कमाल कमाल के फ़ीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों आज हम इन दोनों फोन में एक डिटेल कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं अगर दोस्तों आपके मन में कोई ऐसी सवाल है कि इन दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए इस वीडियो को देखने बाद आपको वाला डाउट क्लियर होने वाला है तो दोस्तों मैं हूँ समीर आप देखें टेक्नोलॉजी सीकर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये दोनों फोन आपको फ्लिपकार्ट में तो देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ आपको हो सकता है कि अमेज़ॉन पर भी आ गए हों और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे वेरियंट और रेड की तो इनफिनिक्स में आपको एक ही सिंगल वेरेंट देखने को मिलेगा तीन का वही जगह रियल मी में आपको तीन और चार का आपको देखने को मिल जाएगा वही जगह जो प्राइस लेटेस्ट डेट का जो कंपैरिजन है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसमें जो फिजिकल ओवरव्यू की तो दोस्तों इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है जो कि ग्लॉसी प्लस यहाँ पे ग्रेडियन जेम कट आ, टेक्सचर डिज़ाइन आपको मिल जाती है जो कि थोड़ा सा शाइनिंग भी करेगा और वही जगह यहाँ पे रियल मी की बात करें तो इसमें भी आपको पोलिकॉबना बैक मिलता है इसमें भी आपको टेक्सचर इफेक्ट मिल जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पे विक्ट्री डिज़ाइन आपको मिल जाती है तो दोस्तों दोनों का लुक काफ़ी अमेजिंग है वही जगह मैं आपको एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें दोनों में हमको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलती है दोनों में माइक्रो यू टाइप चार्जिंग पोर्ट हमको मिलती है जो कि क्वाइट ओल्ड हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पे इनफिन में यहाँ पर एक और चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही कि इसमें जो स्पीकर जो है उसमें हमें नीचे साइड नहीं दे रखा हुआ है रियल में हमको स्पीकर जो है नीचे साइड दे रखा हुआ है लेकिन पे इनफिनिक्स में हमें ये जो सेल्फी कैमरे के ऊपर जो आ, है वहां पे हमें एक्सटर्नल स्पीकर दे रखा हुआ है अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसमें कलर्स की तो दोस्तों में आपको चार कलर देखने को मिल जाएंगे काफी अच्छे कलर्स हैं मिड नाइट ब्लैक ओशियन वेव यहाँ पे कैन कलर है और एक वॉलेट कलर हमको देखने को मिल जाता है वही जगह रियल में हमको दो कलर देखने को मिल रहे हैं विक्ट्री ब्लू और ग्लोरी सिल्वर अब दोस्तों यहाँ पे बात करें फिजिकल डायमेंशन की तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर थिकनेस की बात करें तो दोस्तों दोनों की थिकनेस यानी कि मोटाई एक ही जैसी है एट पॉइंट नाइन एम एम की वजह जगह वेट जो है इन्फिनिक्स का थोड़ा सा ज़्यादा है दो सौ सात ग्राम का वह जगह रियलमी का वन नाइन्टी फाइव ग्राम है तो दोस्तों यहाँ पर इफिनक्स का वेट इसलिए ज़्यादा है चूँकि इसमें बैटरी बहुत बड़ी दे रखी हुई है अब दोस्तों यहाँ पर बात करें इंडाबॉस कंटेंट की कि आपको इंडाबॉस में कौ, आ, कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स में बैक कवर देखने को मिल जाएगा रियलमी में आपको बैक कवर नहीं मिलेगा आपको दोनों में दस वॉट का चार्जर मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे ईयरफोन्स आपको दोनों में देखने को नहीं मिलने वाले और स्क्रीन गार्ड आपको दोनों में को मिल जाएगा अब दोस्तों यहां पे बात करें बैटरी की तो दोस्तों आप यहाँ आपको बिग बैटरी मिलती है, जिसमें आपको बिग बैटरी बैकअप भी आपको मिलने वाले छह हजार एमएच की बैटरी मिलती है और दोस्तों रियल मी सिर्फ पांच हजार एमएच की ही बैटरी मिल रही है और दोस्तों की तो अंदाजा है ये दोनों फोन पर लगभग तीन से साढ़े घंटे टाइमिंग ले लेंगे जीरो टू हंड्रेड चार्ज होने में अब दोस्तों बात करें कैमरे की तो दोस्तों किस तरह सेटअप दे रखा हो तो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों इनफिनिक्स में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है रेक्टेंगल में और वही जगह रियल में आपको टिपल यानी कि तीन कैमरा सेटअप आपको मिल जाते हैं जो कि वर्टिकल ऑर्डर में है। अब दोस्तों मैं बात करें कुछ और फीचर्स की तो इन्फिनिक्स में, में आपको तरह मेगा पिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जिसमें आपको एफ वन पॉइंट एट का अपर्चर मिल जाएगा वही जगह रियल मी में आपको यहाँ पे बारह मेगा पिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है जिसका अपर्चर एफ वन पॉइंट एट है दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को नहीं मिल रहा है इनफिन में यहाँ पर आपको माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल रहा है लेकिन आपको दो मेगा पिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है जिसका अपर्चर एफ टू पॉइंट फोर है वही जगह रियलमी की बात करें तो इसमें आपको दो मेगा पिक्सल का मोनो और दो मेगा पिक्सल रेट्रो देखने को मिल जाएगा अपर्चर एफ टू पॉइंट फोर आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था ये दोनों एक बजट लेवल के फोन है तो दोस्तों आपको कुछ बेसिक मोड्स ही मिलेंगे यहाँ पे कैमरे में और दोस्तों यहाँ पे आपको ई आई एस देखने को नहीं मिल रहा है वही जगह यहाँ पे रियलमी में आपको ई देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि रियलमी में हमें ई देखने को मिल रहा है ई आई का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी जब आप वीडियो शूट करेंगे तो जब से आप भाग रहे होंगे तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी वीडियो में अब दोस्तों वीडियो शूट की बात करें तो आप दोनों में फुल एच डी यादरे ठाल्टी पे वीडियो शूट कर पाएंगे लेकिन इन्फिनिक्स में हमें बहुत बहुत कमाल की चीज ये मिल रही कि हमें ट्रिपल यानी कि तीन एल फ्लैश हमको पीछे साइड मिल रहे हैं वही जगह रियल मी में हमको सिर्फ सिंगल एल फ्लैश हमको पीछे साइड मिल जाएंगे अब दोस्तों यहां पर बात करें आ, यहां पर जो सेल्फी कैमरा है तो किस तरह का सेटअप दे रखा है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे अब दोस्तों यहां पर बात करें कुछ और फीचर्स की तो आपको दोनों में वाटर ड्रॉप नॉच टाइप आपको सेल्फी मिल जाती है जिसमें दोनों में आपको आठ मेगा और एफ टू पॉइंट जीरो आपको मिल जाएगा परचर वही जगह यहां पे कुछ मोड्स की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ बेसिक मोड्स आपको मिल जाते हैं ई दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों में फुल एस जी एट रेट हार्टियापेस वीडियो शूट कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे इन्फ्लेंस में अच्छी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे फ्रंट में भी एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है तो दोस्तों जब आप नाइट में जब कोई भी सेल्फी कैप्चर करेंगे तो आप इस एलईडी फ्लैश के द्वारा सेल्फी ले सकते हैं वैसे रियलमी में हमको यहाँ पे सेल्फी फ्लैश तो मतलब जो एलईडी फ्लैश है वो तो नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों हमें स्क्रीन फ्लैश तो हमको मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की तो दोस्तों इनफिनिक्स में, में में बहुत बड़ा डिस्प्ले दे रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे सिक्स इंच का वैसे जगह रियलमी में सिक्स इंच का दोनों एच प्लस डिस्प्ले आई पी है और दोस्तों रेजोलूशन में यहाँ पे इन्फिनिक्स के थोड़े से ज़्यादा है वन सिक्स फोर जीरो टू सेवन टू जीरो पिक्सल्स वही जगह रियलमी के वन सिक्स जीरो जीरो टू सेवन टू जीरो पिक्सल्स हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स में हमें एन की प्रोडक्शन मिलती है ये दोस्तों एक जापानीज ब्रांड है और वही जगह यहाँ पे Realme में हमें गोयला ग्लास थ्री की प्रोटेक्शन मिल जाती है दोनों में हमें सिक्सटी हर्स का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा फोर इसकी ब्राइटनेस मिल जाती है काफी अच्छी बात है जब धूप में जाएंगे तो आसानी से स्किन में काम कर पाएंगे वही जगह स्किन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इनफिल्स में आपको यहाँ पर नाइनटी परसेंट का आपको मिल जाता है वही जगह रियल मी में आपको एट्टी नाइन परसेंट का मिल जाएगा एट्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट का यहाँ पे इन्फिनिक्स uh, की बात करें तो एक्सप्रेस रेशियो ट्वेंटी पॉइंट फाइव एट टू इस टू नाइन आपको मिल जाता है वही जगह यहाँ पे रियल मी में आपको ट्वेंटी इस टू नाइन मिल जाता है और यहाँ पे कॉन्टैक्स रेशियो की बात करें तो इफिनिक्स में अच्छा मिल रहा है फिफ्टीन हंड्रेड एस टू वन वही जगह रियल में आपको एट टू वन का कॉन्टैक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की तो दोस्तों यहाँ पे एक में हमें मीडियाटक मिलता है एक में हमें स्नैप ड्रैगन मिल जाता है इनफिन्स में हमें मीडियाटक ही ए ट्वेंटी फाइव मिल जाता है जो कि ट्वेल्व नैनोमीटर पर सी 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 पी उसका ऑटोक और वन पॉइंट एट जी का यहाँ पर जी पी एस आई एम जी पावर वी आर आर जी ई एट थ्री टू जीरो और छः सौ मेगा हर्स पर मिल जाता है वही जगह यहाँ पर रियल मी की बात करें इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी फाइव मिल जाता है ग्यारह नैनोमीटर पर सी पी उसका ऑटोक और टू पॉइंट जीरो जीगा हर्ष और दोस्तों यहाँ पे जी पी एस में एंड्रीओ छः सौ दस मिल जाता है तो दोस्तों मैं एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि नैनोमीटर जितने कम होते हैं प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है तो यहाँ पर रियल मी में ग्यारह नैनोमीटर दे रखा हुआ है और दोस्तों जीगा हर्ष जितने ज्यादा होते हैं उतना अच्छा होता है तो यहाँ पे रियल मी में टू पॉइंट जीरो जीगा हमको देखने को मिल रहा है अब दोस्तों यहाँ पे बात करें इसमें जो सॉफ्टवेयर है तो दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको एक्सो एक्स पॉइंट टू डॉल्फिन मिल जाता है और दोस्तों रियल मी में वही जगह रियल मी का यू आई मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड इलेवन का भी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है और दोस्तों इन्फिनिक्स में आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिल जाता है साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी जैसे कि बैंड जितनी भी ऐप बैंड हुई थी वो सब उसमें से आपको कोई भी दोनों में देखने को नहीं मिलने वाला है तो काफ़ी अच्छी बात है ये अब दोस्तों यहाँ पर बात करें कुछ और फीचर्स की तो दोस्तों आपको दोनों में फिंगरप्रिंट आपको पीछे साइड देखने को मिल जाता है फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाएगा थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाएगी ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा सा ओड दे रखा हुआ है दोनों में फोर पॉइंट टू मिलता है और यहाँ पे एन एफ सी जो है आपको दोनों में नहीं मिलेगी और सिम ट्रे की बात करें तो दोनों में हाइब्रिड नहीं यानी कि डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हैं साथ ही साथ आप दो सौ छप्पन जी बी तक के एक्सटेंड भी कर लेंगे फाइव जी दोनों फ़ोन नहीं लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों फ़ोन जो है यहाँ पे डुअल फोर जी मतलब ये इसका सपोर्ट करते हैं वही जगह यहाँ पे सार वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इन्फिनिस की बात करें तो यहाँ पे हेड की जीरो पॉइंट सेवन जीरो एट वॉट पर केजी आपको मिल जाती है वही जगह यहाँ पे आँ... बॉडी की आपकी ज़ीरो पॉइंट सिक्स फोर सेवन मिल जाती है वजह जगह यहाँ पर यहाँ पे अगर रियल मी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको हेड की यहाँ पे वन पॉइंट वन एट मिल जाती है बॉडी की आपको जीरो पॉइंट सिक्स थ्री वन मिल जाती है वैसे स्पीकर की बात करें तो इनफ्लिक्सिक्स में आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर तो मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डी का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों यहाँ पे अगर रियल की बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिलेगा लेकिन इसमें कोई डी का सिस्टम नहीं दे रखा हुआ है तो दोस्तों ये होगा इसका डिटेल रिव्यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अगर ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल इएगा तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में